हेलो गाइस, राम राम सभी भाइयों को। वेलकम बैक टू चैनल, माय चैनल सन्नी अम्बावता ब्लॉग। तो हम और एवी 7000 उठ चुके हैं दोनों भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। भाई इतनी ठंड पड़ रही है, हम रात को 3 बजे सोए और भाई साहब ठंड में ना हमारी कुकड़ी बन चुकी है, देख लो। और अब थोड़े उठे हैं तो अब हमारा ये जो फार्म हाउस है 100 बीघे का फार्म हाउस, चारों तरफ आम के बाग हैं। देखो अभी दिखाते हैं, ऐसे घुमा ले करिए। और जो अब फार्म हाउस में देखो गाइस, ये जो पेड़ है ये पूरे में, पहले ना 50 बीघे में तो आम का ही पेड़ वो था, बाग था पूरे में। वो तीनों लोग आगे जा रहे हैं, 2 आगे जा चुके हैं। ये पूरा आम का पेड़ है और सामने हाईवे है। जब हम रात को लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा था, इधर हाईवे है, इधर हाईवे है पूरा। और ये जो चौड़ा रोड बन रहा है ना, अभी इसमें विला बनेंगे आगे, तो उसके लिए हमने पहले ही रोड दे दिया है। तो अब चलते हैं गाइस आगे की तरफ, थोड़ी मॉर्निंग वॉक करके आते हैं। आगे थोड़ा मॉर्निंग वॉक करके आएंगे ना, बॉडी थोड़ी सी एक्टिव हो जाएगी। तो अभी मिलते हैं गाइस आगे चल के, फिर वॉक भी हो जाएगी और थोड़े बॉडी भी गर्म हो जाएगी। उसके बाद हमारे नाश्ते की तैयारी चल रही है अंदर। बथुआ के परांठे बनवा रहे हैं आज हम, और शक्कर की चाय, शक्कर की चाय अदरक डाल के। और उसमें हम लेंगे क्या, बिल्कुल वाइट मक्खन और गाय के देसी घी के साथ पराठे। मजा आ जाएगा गाइस, बिल्कुल। राजा जी नेशनल पार्क बगल में ही है हमारे, उसका भी दिखाते हैं आपको। और गाइस यहाँ पे गाय वाय सब अपनी है, बाहर से कुछ नहीं लाना है। नहीं, कुछ भी नहीं लाना, सब ऑर्गेनिक है गाय। सब अपने घर से लाए और बाकी सब यहाँ ऑर्गेनिक है। सब्जी भी लगी हुई है और अभी गर्मी नहीं है, नहीं गर्मी में तो आम वगैरह सब तोड़ो और चूसो। और अभी स्विमिंग पूल भी उधर दिखाएंगे आपको, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। चलो तो भाई, भगत भाई भी उठ चुके हैं अभी। भगत भाई यहाँ बहुत, ये प्रधान जी उठ चुके हैं। भगत भाई ये ऊपर देखो, इसको आने नहीं दे रहे नीचे, बंदे को इसको नीचे। जय बालाजी, जय बालाजी महाराज की। कुत्ते देखते आएंगे यार। हाँ मंगलवार के दिन भाई बहुत बढ़िया दर्शन हो गए, देख लो। तभी तो मैं केला पूछ रहा है यार, कुछ है यहाँ भाई। मंगलवार को बंदर जी, अभी बालाजी महाराज आ चुके हैं, केला लाता हूँ इनके लिए। देखो ये, लेकिन बसे वो देखो भाग गया, वो गया भाई। अब ले वहां जाके बैठ गया भाई, ले बाय बोल ले गुरु। तो गाइस घूमते घूमते हम बाहर आ गए हैं, ये हाईवे है। तो अपने फार्म हाउस की जो जगह थी इसमें यहाँ तक गई है, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बाउंड्री है, और इतनी गई हुई है, इसका मुआवजा मिलेगा। पहले ये गेट वहाँ था, बिल्कुल ऑन रोड। 100 बीघे का फार्म है भाई ये। अब इसकी बाउंड्री बनी हुई है सारी, बाहर से इसका प्लस्तर चल रहा है, ये मिस्त्री लगे हुए हैं। ये सारी दीवार का ऐसे प्लस्तर चलेगा। ये सारे भाई खड़े अपने घूमते घूमते सब यहाँ के खड़े हो गए। ये पूरी दीवार का प्लस्तर होगा, अंदर से तो सारा हो चुका है, बाहर का काम रह गया है। तो ये देखो कितनी ठंड में बेचारे सुबह सुबह लेबर लग रही है, ये सामान ला रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये अच्छा है, फार्म हाउस बहुत अच्छा है जी। हम तो रात आए, अब 2-3 दिन रुकेंगे, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अभी अपना देसी नाश्ता बन रहा है अंदर, घी भी, पराठे, शक्कर की चाय। अभी दिखाते हैं आपको अंदर चल के, सभी बात कर रहे हैं, कोई अपना सिगरेट पी रहे हैं, कोई कुछ। बिल्कुल हाईवे के ऊपर है ये 100 बीघे का फार्म। ये किसी ने बनाया था तो ये रोड में आ गया, टूट गया। ये आगे जो बिल्डिंग दिख रही है ये वो है टोल प्लाजा, यहाँ का, यहाँ टोल लगेगा, ये टोल गेट है। चलो गाइस अब नाश्ता दिखाते हैं अंदर, चलो। ओके तो ये देखो गाइस कितना छोटा बच्चा है, ना तो इसको सुन सकता है ना ये बोल सकता है, और देखो कैसे कला मंडी मार रहा है। और बहुत फास्ट बच्चा है, चंचल बच्चा है। एक बार यस, ये जॉन सीना भाई, ये पुराना जॉन सीना है। नहीं लेगा, नहीं पैसे भाई, ये कह रहा 10 का नहीं चाहिए, 100 का चाहिए। ये देख लो बच्चे, भाई वाह। ओके डन डन, हमारे घर हां जंप, गेम ना दे पैसा दे, हमारे घर। ये पैसा नो गे रहा है ये सोनू, सोनू ये करेगा तू, सोनू ये करेगा तू, ये ओ भाई साहब। बेस बेटा बेस बेस, बात सुन ना रही। ओके बेस, ओके डन डन डन
बस बेटा बस जाओ घर जाओ। तो गाइज ये हमारा नाश्ता आ गया। नाश्ते में जैसे चाय थी शक्कर वाली और ब्रेड पकौड़े थे, और साथ के साथ बॉन फायर भी चल रहा है, तो बहुत टेस्टी थे। अपने फार्म हाउस पे बने थे ब्रेड पकौड़े, बहुत मजा आया गाइज टूर में। आज मैं कह रहा हूँ इसे सोनू भाई लो ना, उठाते रहो। तो भाई अभी ब्रेड पकौड़ा खाते हैं भाई। भगत भगत भाई फटाफट चाय को और बोलो। आपने जो प्रोग्राम जोड़ा ना, ये रात से ही जो झमाझम आपकी आप ही की बदौलत है ये सारा। नया डॉगी आ गया भाई फार्म पे, अभी सुबह सुबह लेके आए इसे नया। देखो पहाड़ी, ये देखो कितना तगड़ा कुत्ता है, देखो पहाड़ी कुत्ता है। इसका नाम रखेंगे अभी सोनू, क्या नाम रखेंगे? तो गाइस ये अपना रूम है, ये बिस्तर है, ये बेड है, ये LCD लगी हुई है, और ये बाथरूम है। तो गाइस अच्छा लगे तो ब्लॉग लाइक, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।